जैसे है ना माइनस फाइव अगर हम कर देंगे ना ए बी एस तो इसको ये प्लस में कर देगा, और एट है तो इसको ऐसे ही रखेगा, मैंने माइनस के वैल्यू को प्लस में लाएगा एब्सोल्यूट। मैथ में तो खूबी जो होता है कंबाइन, कंबाइन क्या करता है एक ग्रुप, ग्रुप क्या था इसको सी ओ एम बी आई एन, एक ग्रुप बनाता है जैसे ए बी और सी चाहे डी, इस चारों को, इस चारों को मिला के तीन का कितना ग्रुप बन सकता है, रिटर्न्स नंबर ऑफ कंबाइन गिव है आंसर। कंबाइन तो कुछ और था फिर, कंबाइन क्या करता है वही तो करता है वो, सॉरी ऐसे नहीं बने, कंबाइन ये करेगा कि चार है उस तीन के चार ग्रुप बन सकते हैं, नहीं समझा, अगर ये पांच आदमी है, पांच आदमी है और इस पांच आदमी को लेकर अगर चार बंदे का ग्रुप बनाएंगे तो कितना कितने ग्रुप बनाएंगे, तो पांच पांच ही ग्रुप बनेगा, लेकिन अगर इसको तीन बंदे को बनाएंगे तो दस ग्रुप, एक ग्रुप रहे हो समझ, पांच बंदे को हाँ इतने चार, जैसे एक को होगा ए बी सी डी हो जाएगा, एक ए बी सी ई हो जाएगा, एक ए सी डी ई हो जाएगा, कितना बनाएगा चार चार का पांच ग्रुप बनाएगा, एक हो जाएगा बी सी डी ई, चार चार का है ना करना, तो हो तो गया इसमें से सी डी, और एक और बन बन जाएगा कोई वो भी ठीक है, जो कह रहे हो आप वो भी ठीक है, इसमें सी डी ए तो इसमें और इसमें क्या फर्क रहा, लो इसमें से इसको हटाया, इसमें से इसको हटाया, इसमें से इसको हटाया, इसमें से पाँच, बस इतने ही बन जाएगा, हाँ हाँ ठीक तो है, सही आइडिया, बस इतने, बस इतने ग्रुप है, और अगर बीस बंदा है और छः का करोगे सैंतीस हजार अड़तीस हजार ग्रुप बन जाएगा, कहाँ क्यों भाई बीस बंदा है यहाँ पे, क्यों नहीं बनेगा, नहीं इसमें आगे पीछे नहीं है ना ग्रुप बन रहा भाई, कोडिंग में तो तुम्हारा आगे पीछे भी होता है ना, ए ए आर आर ए ए वहाँ पे दो अलग हो गया, वहाँ पे तुम्हारा है ए बी सी तो इसका ग्रुप बन जाएगा, इसका बनेगा कोडिंग ए बी सी सी बन जाएगा बी सी ए, तो ये तो लेकिन ये तो एक ही ग्रुप बनेगा, इसको तीन बंदे का ग्रुप तीन बंदे का एक साथ दिया बैठा दिया जाएगा, ऐसे थोड़ा कि आगे पीछे बैठाना है एक के पीछे एक, अरे ग्रुप बनना क्या अच्छा, हाँ तो बस देखो आप उसने टेस्ट कर रखा है तो अट्ठाईस, अच्छा अच्छा दो दो में, अच्छा अच्छा सबका एक एक क्रॉस हो, अच्छा एक होता है
हो गया प्रूफ? कर दिया उसने टेस्ट। सीलिंग वाला हो गया था, कॉस साइन थीटा कुछ नहीं है, इवन ऐसे ना 16 इवन, ये अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर दिखा देगा, नहीं तो इसके बाद जो होगा इवन नंबर उसको दिखाएगा। सेम ऑड, अगर ये ऑड है तो ऑड दिखा देगा, नहीं तो इसके बाद जो ऑड नंबर आएगा उसको दिखाएगा। एक है आईएनटी, आईएनटी क्या करेगा? फैक्ट वगैरह तो बता दिया थे ना, फैक्ट वगैरह बताए थे ना, बताए ना। अरे एक होता है आईएनटी, आईएनटी जैसे ही करते हो ना इसमें पॉइंट के बाद का वैल्यू वो हटा देता है। इंटीजर देखना पड़ेगा। कन्वर्ट ए टेक्स्ट रिप्रेजेंट नंबर टू गिवन बेस और डेसिमल नंबर। मैंने यूज नहीं किया हूं। जो जो सी बायोडाटा लेकर आया, बोला था ना बायोडाटा लेकर आना, अरे इंटरव्यू वगैरह अटेंड करना है तो अरे कुछ और करता है, कन्वर्ट हेक्सा डेसिमल वगैरह लंबा है, छोड़ो इसको। अगर अटेंड करना है इंटरव्यू वगैरह तो दो, वरना कॉम्पिटेंट तो है ही। पाई हो गया था, पावर हो गया था, एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या करता है, जैसे यहाँ लिख दिया 3, 4 और 5, अगर करते हो ना प्रोडक्ट ये आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। हाँ एक होता है सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट का एक अभी देख लो, बाद में इसका 20-25 मिनट के केवल अलग से होगा। सम जैसे इस दोनों का कोई हो गया क्वांटिटी, इसका हो गया प्राइस। अगर इस टाइप से हम कोई सामान खरीद के लाते हैं 3 क्वांटिटी 2 रुपये के रेट से, तो ऐसे होगा ना। फाइनली हमें इतना खर्च हुआ 55, तो हम करेंगे सम प्रोडक्ट, इसको आपस में इसका ये बता दो, जैसे ये है ना, ये एक साथ नहीं सम करते जाता है, 2, 3, 5, 2, 7, 7, 14 मतलब अरे वो तो कुछ नहीं यार, ये प्लस ये ले लो, सॉरी ये प्लस ये, यहाँ तो एरर देगा, इसमें कर देता हूँ, यहाँ चुके ना खाली, ये प्लस ये यही ना। इसका कोई वो नहीं होता क्या, फॉर्मूला नहीं होता? नहीं तो ये तो गलत हो गया यार, ये और ये अब हुआ, ये यही ना, ये 6 हो गया, ये दोनों 12, ये 20, 55 हो गया सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में एक फिर चीज़ और है, जैसे अगर सम प्रोडक्ट लिया
इसमें मैंने लिया यहाँ तक रेंज, और ये अगर थोड़ा बढ़ा दिए तो ये एरर देगा, क्योंकि दोनों इस केस में इन दोनों को आपस में ऐसा नहीं इतना ही कर सकता है, ये ये 204 क्यों क्यों हो गया? इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है, फिर जो ठीक है, एक होता है राउंड, क्या करता है जैसे ना राउंड इस टाइप से, जैसे नंबर तो हमें कितना चाहिए, एक चाहिए तो यहां से एक उठाएगा, जैसे करते हैं ना जीरो होती पूरा ले लेगा, और अगर हम माइनस करते हैं तो ये इतना तो लेगा और इसके बाद वाला को कर देगा जीरो, ये उसका फीचर है, क्या करोगे जैसे है ना ये, नहीं, तो ये जैसे 1360 अब देखो अगर मैं करूँ राउंड इसको दो तो क्या आएगा आउटपुट 18.89 ने 90 हो जाएगा 90, और अगर लूंगा तीन तो ऐसे आ जाएगा, अगर इसमें कर दोगे ना जीरो तब क्या आएगा आउटपुट 19 आ जाएगा, लेकिन अगर माइनस वन दूंगा ना कर तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो ऊपर रहेगा उस पे जाएगा। अच्छा, ये 43 को 40 हाँ, 47 होता तो इसको फिर 50 अब जो रहेगा ना पास तो उसको जाएगा अराउंड। एक होता है अराउंड डाउन, सेम वही, इसमें नीचे की तरफ जाएगा, जैसे कहाँ गया, जैसे है ना यहाँ पे करते हैं राउंड डाउन, ये करेंगे ना तो इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, जैसे है ना अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ना जी जीरो दे देगा 15, लेकिन अगर राउंड अप करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, इसमें पॉइंट के बेस पर था कॉम्बाइन जीसीडी जानते हो, एलसीएम पता है, कभी एक जमाने में पढ़े थे तो वो है एलसीएम और ये है जीसीएम उल्टा, जो एक ऐसे वाला भी पढ़ा होगा, फिर ये नंबर उठ के यहाँ जाता फिर यहाँ करते थे याद है, लेकिन ये है नहीं इसमें एक्सेल में है दिया हुआ होगा कोटेंस, इसका है कोटेंस द फंक्शन कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइडेड बाय, जैसे हाँ वहाँ जो था ना मोड, उसमें क्या था वो मोड था शेषफल में, जैसे 16 में 14 में मैंने 5 से भाग दिया तो मोड 4 आ गया, अब यह कोसेंट, अब 14 में
इससे भाग दिया, तो कितनी बार लगा? दो बार, दो बार लगा। एक है, हाँ एक है एम राउंड। एम राउंड क्या करता है, जैसे मैंने दिया ना यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया, 50 से 500, क्लियर। अब इसमें एम राउंड में कर रहा हूँ, इसमें 50 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो ये देगा 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, इस तरह से बढ़ेगा, क्लियर। तो ये 300 दिया। अब ये जो रेंज उठा रहा है 300 और 350, उसका कहानी ये है कि ये 300 और 350 के जो बीच होता है 325, अगर 325 से ऊपर रहेगा तो वो 350 जाएगा, और नहीं तो वो 300 पर जाएगा। हो गया क्लियर। अगर ये 300 पर, हाँ हाँ, लेकिन ये मैंने 50 के दिया है इसीलिए, और अगर मैं 40 का दूंगा, अगर मैं दूंगा तो एम राउंड 40 40, इसका जो बढ़ेगा 40 80 120 160, ये दे दिया 320। लेकिन जैसे ही लूँगा ना, अगर 200 245 का कितना आएगा, 240 रहेगा, 240 के बाद आ जाएगा 280, तो 260 से ऊपर जैसे होगा, नहीं तो तो फिर 260 से ऊपर होगा तो फिर अगला वाला में जाएगा, क्योंकि 240 और 80 के बीच में 260 बीच है, जैसे कि क्लियर हुआ। देखो ये 50 का गुणनफल में जाता है, गुना में, हमने दिया है 50, हमने दिया है 10, हमें जो लिखेंगे उसके बेस पर जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दिया, छोटा नंबर देता हूँ, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. क्लियर। अब यहाँ पे कर रहा हूँ एम राउंड, मल्टीपल जो है राउंड, इसको ले लो, मैंने कहा 20 का, तो ये ऐसे बढ़ेगा 20 40 60 80। अब 36 जो है 20 40 60 80 में किसके पास पड़ता है, 40 का, तो इसका आउटपुट आएगा 40। और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 30 29, तो किसके पास पड़ेगा, 20 के पड़ेगा, और 30 40 का, क्योंकि हाफ और हाफ से थोड़ा भी अगर ज़्यादा, 29 20 में इसलिए पड़ा क्योंकि 20 और 40 के बीच जो रेंज है, क्लियर। नौ डालोगे तो 9 में 20 क्यों आएगा, 0 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ नंबर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस नंबर का जो सेटिंग हो वो 99 के बेस पर हो, या फिर 49 के बेस पर हो, MRP से सेटिंग होता है ना, या तो 99 के बेस पर हो या 49 के बेस पर हो। तो अब कैसे करोगे, तो हम इसी में M राउंड लेंगे, 50 के मल्टीपल में लेंगे और माइनस 1 कर देंगे, या तो होगा या 50 या होगा 100 या 150 या 200, है ना। अभी मैं जो काम कर रहा था, लेकिन वो निप्पो वाले जो HR थे जिसने मुझे कॉल किया हुआ था, तो उसने
मेरा काम था देखा हुआ, तो उसी के बेस पर हो गया क्लियर। एम राउंड ये है प्रोडक्ट, एक है रोमन। रोमन क्या होता है वो तो जानते हो, एक्सेल वाला। पता है ना, लेकिन इसमें है लफड़ा। 3800 यहां तक तो किया, इसका पीछे है ना का, इसको है ना कॉन्सेप्ट क्या है पता है ना सबको इसका रोमन का। देखो अब जैसे एक का है आई और पांच का है ये, तो फोर जो लिखेगा तो भी से पहले आई, मतलब उसमें से कम है तो कम करना है तो इसको लिखता है पीछे, और अगर प्लस करना है तो आई। यही होता है, हम लोग एक्सेल वगैरह नहीं दे लेते हैं शर्ट वगैरह। एक्सेल किसका होगा, 40 का होगा, 40 का। और एक्स होता है 10 का, और एल 50 का है ना, तो वो 10 माइनस हो गया। इसमें भी होता है एक्सेल में लार्ज, एक एस नहीं, वो एल नहीं, अरे शर्ट में जो नहीं होता है कहता है कि लार्ज ले दो। एक बालाजी था उड़ीसा का, याद है वो, उसका ना शर्ट मिल पाता था ना जूता मिल पाता था, मार्केट में उसका शर्ट मिल पाता था ठीक से ना जूता मिल पाता था, बहुत बहुत लंबा था, याद है तब आपको। बिल हाँ बाल बालाजी साहू, बहुत लंबा था यार, पतला था बंदा। हाँ प्रोफेसर हो गया, और रिकॉर्ड मारने में उस जमाने में राक्षस था वो, उस उसका उसको सिर्फ बहुत स्पीड था उसका। आंटी हो गया, स्क्वायर रूट तो हो गया था ना, चार ठीक है। इसमें है एक है ये ट्रंक TRN, ये कितना नंबर काटना है आपको, जैसे यहां से क्या ना 2 तो दशमलव के बाद 2 उठाएगा, नहीं ये फ्लैट का कट कट का। एक है
सम प्रोडक्ट हो गया, इसका फिर बाद में लूँगा। एक है सब टोटल, यह है थोड़ा इम्पोर्टेंट। सब टोटल क्या करता है, ये जैसे मैंने इतना लिया ना डाटा, अब हमने इसमें से फिल्टर किया टीटी का सम कितना हो गया 43। अगर हम सिंपल यहाँ पे सम लगाते हैं तो देगा इतना। अब मैं यहाँ पे अगर टीटी का करूँ ना तो हमें इसका चाहिए, मतलब जो फिल्टर्ड है उसी का चाहिए। तो इसके लिए आता है कॉन्सेप्ट सब टोटल। तो या तो इसको अगर फिल्टर दोगे दोगे लगा और तब अल्ट इज इक्वल टू करते हो, यहाँ भी सम ही ले रहा है यार। अगर फिल्टर करके ना, जैसे दो को फिल्टर कर दिया ना, अब वो सब टोटल अपने आप लेगा, उठा लिया ना उठा, तो या तो उठ जाए तो ठीक है, वरना यहाँ पे दो सब टोटल और इसमें हमें फिफिला, देखो एवरेज करना है, काउंट करना है, काउंटा करना है, मैक्स मिनिमम हमें सम करना है। तो मैंने इसके लिए लिया 9 कर दिया। अब मैं यहाँ से जो को ईस्ट कर लिया, लेकिन जब लगाओगे तो एक चीज ध्यान रखना कि रेंज ऊपर से जा रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ से रेंज जा, अगर पहले अपने फिल्टर कर दिया बीच में गैप है तो फिर वो कम ही के लेगा। सपोज हाँ तो इसलिए इस चीज को रखना ध्यान, ठीक है। क्या करेगा, फिल्टर डाटा के बेस पर सम किया, लेकिन जब आप लेते हो तो पूछता है कि आपको एवरेज लगाना है या काउंट लगाना है, काउंटा मैक्स लगाओगे तो उस समय जो फिल्टर वैल्यू में जो मैक्सिमम होगा उसको दिखाएगा। इसमें एक चीज़ और है, जैसे है ना 1, 2 से 9 तक, उसके बाद फिर ये आ जाता है 101, 102, 103, 104, 105। ये तो हो गया, हाँ हाँ ये तो हो गया 9 तक, उसके बाद फिर आ जाता है 102, 102। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क यह है कि अगर मैंने क्या किया, इसको हाइड कर दिया, क्लियर। अब मैं यहाँ ए को फिल्टर लगाए ना, यहाँ दिखा रहा 4, हाइड कहाँ, हाइड हुआ कहाँ, अब हुआ ना, ये हटा देता है क्या, ये फिल्टर हाइड को हटा दिया ना, चलो कोई ना, ये हो गया 4। इसी डाटा को यहाँ पे रखते हैं। अब क्या था ये, सब टोटल हाइड का, वो हाइड का करता है, जैसे ये तो हटा रहा, जैसे इसको मैंने हाइड कर दिया 257 ही आ रहा है ना, हरे वाला भी छोड़ दिया, हो गया क्लियर।
जिसको हम हाइड करेंगे उसको वो सम नहीं कर, नहीं ये फिल्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये हाइड का हो गया। इसमें क्या है, फिल्टर्ड में जो विजिबल वैल्यू है उसको सम कर, सम करेगा, इसमें अनहाइड वाले नहीं, हाँ जो हाइड नहीं है जो सामने दिख रहा उसको देखते हैं। नहीं 109 है बस सब टोटल, या तो ये लो अगर काउंट करेगा तो सबका काउंट करेगा, काउंट का मैक्स, मैक्स का अभी थे ना पढ़े, ये सब सिर्फ फिल्टर पर काम करेगा और ये अनहाइड वाले पर, ये मस्त फंक्शन, इसका यूज खूब होता है। ठीक है, इसके बाद एक है सम, जो बहुत ही सम काउंट, काउंट हम हो गया ना, हाइट वाले को इग्नोर करेगा, अरे हाइट ही बोलो यार, सब नहीं समझ पाता है। सम, सम तो पता है इसको, अब होता है सम इफ, तो कंडीशन के बेस पर सम करना, तो सम इफ इसमें से उस रेंज को करो जो चार से हो गया, सम इफ, सम इफ तो एक तो ऐसे हो गया क्योंकि रेंज भी इसी में है, वैल्यू भी इसी में है, लेकिन अब टीटी का सम करो, तो सम इफ ही, सम इफ इसमें रेंज में टीटी का और सम रेंज एक कंडीशन पर, अब टीटी में उसका सम करो जिसका वैल्यू चार से ज़्यादा है, तब कंडीशन हो गया दो से ज़्यादा, तो अब सम इफ्स हो जाएगा और सम रेंज, पहले पहला कंडीशन ये टीटी और दूसरा कंडीशन इसमें वैल्यू ग्रेटर देन हो गया, क्लियर। डेट के लिए हम क्या यूज करेंगे पता है, अभी ने बताया थे उसे काउंट्री फॉलो में, इस टाइप से यूज करेंगे। ठीक है,